इंतजार कर रही थी, मैं इंतजार कर रही थी कि आप कब इसको वो कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करें। तो चलिए पढ़ते हैं और लाइक भी कर दें, बल्कि लाइकों की बरसात करवा दें मुझ पे, लाइकों की बरसात करा दें शेयर करके। तो शेयर भी कर दीजिए, ओके, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। So, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 3 digits and 4 digits number addition। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जो मेरे प्यारे प्यारे से नए नए सब्सक्राइबर्स हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सीधे 3 और 4 digit number पे कैसे पहुँच गई addition के। अरे भैया, मैंने 1 और 2 digit number के भी सिखाए हैं इस वीडियो में, जल्दी क्लिक करिए। हाँ, उसे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, इसे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और आगे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। सो 3 digit मतलब, जैसे आपके पास 24 पेन हैं और 32 एप्पल, तो आपको इसमें 24 और 32 पे प्लस करना होगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन 3 digit मतलब ये 2 digit होते हैं, 1 2 1 2 2 digit हुए ना। और 3 digit मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे इसके आगे 4 और इसके आगे 8 लगा दिया, तो 1 2 3 1 2 3 digit नंबर। ऐसे इसके आगे एक और नंबर लगा दिया मैंने, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 digit नंबर। बस एक एक नंबर इसमें आगे का बढ़ता है, ओके। सो 3 digit मतलब 3 नंबर के एडिशन, ओके। अब मैंने जैसे ले लिया 223 + 101 मतलब 101। ये मैंने थोड़ा इजी लिया है, क्योंकि आप नए नए 3 digit नंबर सीख रहे हैं ना, इसलिए। सो इसमें भी वही करना है, 3 + 1 कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए 3 + 1 क्या होता है, जल्दी लिखिए भैया 3 + 1। अब मैं लिखूंगी 3 + 1 क्या होता है, बोलूंगी नहीं मैं, 3 + 1 होता है 4, ओके। तो कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताइए 4, और आप इसको इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाइए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप इस ऐसे वीडियो और चाहते हैं, मुझे मोटिवेट होगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूंगी। 2 + 0 प्लस का साइन लगा दिया पीछे में, अच्छा भैया। अब 2, अच्छा मैंने वो मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम में आपको बताया था कि अगर 2 या फिर ऐसा होगा 2 + 0 0 एक नंबर तो है, पर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 2 + 0 = 2 2 ही होगा 2 + 0, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, ओके। अगर मैं हमें बताया 0 + 2 तो 0 + 2 2, है ना, क्योंकि अगर इसमें 2 प्लस कर दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू वाले नहीं है, 2 प्लस कर दो तो आंसर 2 ही आएगा, ओके। सो किसी भी नंबर के साथ 2 प्लस हो रहा है, सॉरी, किसी भी नंबर के साथ अगर 0 प्लस हो रहा है या 0 के साथ कोई सा भी नंबर प्लस हो रहा है, तो वही नंबर आएगा, ओके। सो 2 + 0 2, है ना। अब 2 + 1 देखिए,
टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर। अच्छा है ना, सो आंसर आ गया हमारा 324। ओके अब नेक्स्ट थ्री डिजिट मैं दो दो बढ़ाऊंगी आप। सो अब मैं हूँ, हाँ अब मैं थोड़ा डिफिकल्ट लेती हूँ। लिया ना मैंने मुश्किल। अब देखिए देखिए आप, अब ना मैं पक्का से 100% कह रही हूँ कि ये हम प्लस तो कर रहे हैं थ्री डिजिट्स में, थ्री डिजिट्स को अपन प्लस कर रहे हैं, लेकिन आंसर आएगा इसका फोर डिजिट्स में। तो अब मैं इसका आंसर लिख दूंगी फोर डिजिट्स में। अगर आपको डाउट ना डाउट तो आपको हो गई, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी नहीं कि हाँ मैंने कैसे किया, फोर डिजिट कैसे आ गया, थ्री डिजिट प्लस कराया हमने। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये फोर डिजिट, थ्री डिजिट हमने प्लस किया, फोर डिजिट कहाँ से आ गया, इसमें अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगी। सो एट प्लस एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ऐसा पेपर में मत लिख देना, और लिखना भी तो ऐसा मिटाना कि मैम को लगे ना कि ये लिखा है, वरना आप डांट खा लोगे मैम से। हाँ बता रही हूँ। अब इसको करने की एक मेथड है, देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं ये थोड़ी लंबी मेथड हो जाएगी, तो मैं इसको छोटी मेथड करती हूँ। अब आप जल्दी जल्दी काउंटिंग कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, आगे ना जल्दी जल्दी आंसर। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, एट इन योर माइंड एट इन योर हैंड, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। ओके तो आंसर आ गया हमारा 16। अब 6 कैरी वन, क्योंकि मैंने एडिशन के वीडियो में आपको बताया था कि अगर सॉरी वर्ड प्रॉब्लम के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर दो डिजिट्स के नंबर आते हैं तो उसके राइट हैंड साइड वाला नंबर तो यहाँ पे लग जाता है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर कैरी वन जाता है। अब 1111 आया तो ये राइट हैंड साइड वाला नंबर है, तो ये तो यहाँ पे लग जाएगा पर ये एक कैरी में बदल जाएगा, है ना इंटरेस्टिंग चीज मैथ्स में। सो 16 का 6 कैरी 1, 2 प्लस 4 6, और 6 प्लस 1 सिक्स प्लस वन मुझे आ ही नहीं रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे नहीं आ रहा, मुझे तो लगता है 7 होगा, मुझे लगता है ऐसा, ये राइट है कि नहीं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब 9 प्लस 2 9, 10 11, अब इसके आगे कोई डिजिट है? जैसे इसके दो डिजिट नंबर आया तो ये है, इसके आगे एक डिजिट है तो कैरी में बदल दिया, है ना। अगर इसका दो डिजिट नंबर आता तो हम इसे 7 लिख के किसी को कैरी 1 ऐसा कर देते, लेकिन इसका दो डिजिट नंबर आया लेकिन इसके आगे तो कुछ नंबर ही नहीं है, है ना, है ना, तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे कैरी 1 1। देखा आगे ना फोर डिजिट में आंसर, बट अभी भी मुझे डाउट है, मुझे डाउट है। तो बताओ कैसी लड़की हूँ मैं खुद पढ़ा रही हूँ आपको और मुझे डाउट आ गया। लो अब अगर आपको डाउट, मेरे को डाउट है कि ये 7 आएगा कि नहीं आएगा, अगर आपको लगता है कि ये मैंने 7
गलत लिखा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने ये सही लिखा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और लाइक ओके बरसात कर दीजिए मुझ पे। ओके अब मैं लेती हूँ आपके लिए 4-digit number। ओके फोर डिजिट नंबर मैं इजी ले लेती हूँ, एक 3428 प्लस 4422 अप 8 + 2 = 8, 9, 10 सो 0 carry 1 2 + 2 = 4 4 + 1 = 5 answer 5 4 + 4 = 8 कैसे 4 in your mind, 4 in your hand 4, 5, 6, 7, 8 आसान है ये तो बहुत, मुझे भी इस पर डाउट हो रहा था अभी, पर ये तो बहुत आसान है, आप भी इसे आसान समझिए, जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। 3 + 4 = 7 तो आंसर आ गया इसका हमारा, तो आंसर आ गया हमारा 7850 मतलब 7850। ओके अब तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 4-digit number आ गए। अभी मेरे को लगा था आप भी सो गए तो मैं भी सो जाती हूँ, चलिए चलिए पढ़ते हैं 4-digit number एक और ले लेते हैं। अब मैं बहुत ही टफ ले रही हूँ, 9940 प्लस 4920 अब 0 + 0 = 0 है ना, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है ना, तो आंसर 0 ही आएगा। 4 + 2 = 6 सिंपल 9 + 9 अब डिफिकल्ट आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो 8 carry 1 है ना, क्योंकि इसके आगे डिजिट हैं तो कैरी लगा देंगे, अगर डिजिट नहीं होते तो 1 8 6 0 लिखते हम, बट डिजिट है तो हमें कैरी लगा देंगे। 9 + 4 = 9 10 11 12 13 13 + 1 = 14 सो अब इसके आगे तो कोई डिजिट नहीं है ना, तो हम 1 4 लिखेंगे। अब इसका आंसर तो 5 digit में आ गया, 14860 मतलब 14860 ऐसे आएंगे आपको एग्जाम में, आप भी हो करते बैठ जाएंगे। हाँ तो कैसा लगा वीडियो, हर वीडियो में मैं आपसे कहती हूँ यार, हर वीडियो में मैं आपसे कहती हूँ मेरे को पता है आपको अच्छा लगा है, तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए और जैसे कि मैंने शुरू में बोला था हम लाइक की तो बरसात कर ही देना, साथ ही साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन की भी बरसात कर देना मुझ पे, हाँ ताकि मैं उनसे भीग जाऊँ। हाँ तो चलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी, और मैं क्या बताऊंगी उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वो इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं आपके मोबाइल में, वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ऐसे जैसे ही मैं वो इंटरेस्टिंग वीडियो आपके मोबाइल में लाऊं तो आपके फोन पे बज जाए घंटी, इसलिए और आप उठ जाए और आपके अलार्म की बजे की घंटी,
और आप उठ के देख रहे हैं, अरे भागो भागो भागो, ब्रश करो ब्रश करो, आपके आपका वीडियो आया, भागो 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 भागो। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब वो वाला इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगी तब आपके मोबाइल पर पहुंच जाए।